बागेश्वर चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। बागेश्वर का चुनाव और सरकार ने विधानसभा का सत्र चलाया, उस सत्र का जो हमारा शोक संवेदना थी उसको लाइव किया। सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव वाले दिन विधानसभा सत्र में क्या किया गया, आचार संहिता का उल्लंघन। बागेश्वर उपचुनाव का मतदान हो चुका है, मतदान के बाद परिणाम भी आ चुका है, विधायक पद की शपथ भी हो चुकी है, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव की आग अभी बुझी नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, वहीं बीजेपी ने भी बागेश्वर विधानसभा सीट पर कब्जा करने में एक बार फिर कामयाबी हासिल की। लेकिन बीजेपी की सरकार जो कि राज्य की गद्दी पर बैठी है, उन पर आरोपों की झड़ी कांग्रेस के नेता लगातार लगाते जा रही है। अभी तक हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है, लेकिन अब इस कड़ी में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी का नाम भी जुड़ चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खटीमा के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने धामी सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उपचुनाव के दिन यानी 5 सितंबर को सरकार ने विधानसभा सत्र में शोक प्रकट कर उसका लाइव प्रसारण किया और न ही सरकार ने आचार संहिता का पालन किया। आरोपों की झड़ी भुवन कापड़ी ने लगा दी। सुनिए, बागेश्वर चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। मैं कहना चाहता हूँ 5 तारीख बागेश्वर का चुनाव और सरकार ने विधानसभा का सत्र चलाया, उस सत्र का जो हमारा शोक संवेदना थी उसको लाइव किया। तो सरकार पूरी ओर से विधानसभा तक को जो है चुनाव में लाइव करके प्रसारित कर रही थी। वहाँ हमारे लोगों में मुकदमा लिखना, मारपीट करना, किसी का सर फोड़ देना, गाड़ियों को सीज करना, साफ साफ सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन तब भी बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस को जितने मत दिए हैं, जितने कम अंतर से कांग्रेस वहाँ पर जो है चुनाव लड़ी है, अंतर कम रहा, उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी फैसलों से के खिलाफ है और वो जल्द इस सरकार को उखाड़ने का। एक तरफ कांग्रेस जो कि मजबूती के साथ बागेश्वर उपचुनाव लड़ी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो कि इस बार काफी कम अंतर से जीत दर्ज कर पाई। हालांकि इसके मुख्य वजह बसंत कुमार भी रहे, जो कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते आए थे और इस उपचुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में मजबूती आ गई और यही वजह रही कि कांग्रेस ने बीजेपी को इस चुनाव में नेक टू नेक फाइट दी। एक वक्त तो लगा कि बसंत कुमार गेम चेंजर बन जाएंगे, लेकिन काफी करीब जाकर बसंत कुमार और कांग्रेस हार गई। लेकिन अब दोनों पार्टियों का जोर लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव आगामी साल 2024 में होने हैं और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिन पर अभी तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर ली हैं और कमर भी कस ली है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता की पसंद कौन सी पार्टी बनती है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। खटीमा से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।